हेलो एवरीवन, यूपी NHMCHO 2800 प्लस वैकेंसी के लिए आपका एग्ज़ाम 10 सितंबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को मैं यहां पर डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, पेपर मॉडरेट लेवल का था, क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, रिमेनिंग क्वेश्चंस अगर आपके पास हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका कुछ ही घंटों में अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, डैश एंड फैट एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे सप्लाई द बॉडी विद एनर्जी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैट और कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हु इज़ फादर ऑफ गायनेकोलॉजी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गायनेकोलॉजी के फादर कौन है। करेक्ट आंसर इज मैरियन जेम्स सिम्स। मैरियन जेम्स सिम्स इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर थ्री, वॉट इज़ द कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज इन इंडिया। यानी कौन सी कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है जो इंडिया में देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला। टेस्ला के CEO पूछे गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है एलोन मस्क। एलोन मस्क टेस्ला के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्रे मैटर और कौन से मैटर से मिलकर बना होता है। करेक्ट आंसर इज वाइट मैटर। CNS ग्रे एंड वाइट मैटर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द नर्वस सिस्टम हैज़ अ होल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सब डिवीजन्स। यानी नर्वस सिस्टम को कितने सब डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। करेक्ट आंसर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, द एल्वोलाई इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ एन एपिथीलियल लेयर ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्वोलाई और इनर ईयर कौन सी एपिथीलियल लेयर से बनी होती है। करेक्ट आंसर इज सिंपल स्क्वायमस एपिथीलियल। एल्वोलाई और इनर ईयर सिंपल स्क्वायमस एपिथीलियल से बनी होती। क्वेश्चन नंबर 8, विच कनेक्टिव टिश्यू हैज़ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यानी कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है या जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। करेक्ट आंसर इज बोन। बोन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु कॉइन्स द टर्म सीजोफीनिया। सीजोफीनिया टर्म किसके द्वारा दिया गया। करेक्ट आंसर इज यूजन ब्लूलर। यूजन ब्लूलर के द्वारा सीजोफीनिया टर्म दिया गया। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको इस क्वेश्चंस को घुमा के दिया गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि डिमेंशिया प्रीकॉक्स की जगह सीजोफीनिया टर्म किसके द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसका भी यही करेक्ट आंसर है, यूजन ब्लूलर के द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।